अंजलि, किरण, तुम नाराज होके मायके में बैठी हो। तुम्हारी तस्वीर से ही बातें करता रहता हूं। तस्वीर खाली खाली लगती है। इस पर अगर चंदन का हार चढ़ा होता तो कितना अच्छा होता। मैं आजाद होता। मेरी आजादी को हैंग कर तुम खुद चली गई। अब मैं किसी लड़की को एक नजर नहीं देखता हूँ। जब देखता हूँ लगातार देखता हूँ, माँ और भाभी की नजर से। बहन का रिश्ता मुझे पसंद नहीं है। बहुत नाजुक होता है। अब तो मुझ पर विश्वास कर लो। मैं वो नहीं रहा। वो हो गया हूँ दूसरी लड़कियों के लिए। क्या से क्या हो गया? पहले क्या था पता नहीं। मैं तुम्हें अभी बताता हूं, देख। एक्सक्यूज मी सर। या सैम, समीर मल्होत्रा, मेरी ले ले। रियली? माय प्लेजर। ये क्या कर रहे हो तुम? रिलैक्स। सीधी सादी लड़कियों का काम करना मुश्किल हो गया है। सैम, देखना कितनी सीधी सादी है। क्या मिसबिहेव किया तूने इसके साथ? इससे पूछ क्या कहा इसने मुझसे। क्या कहा आपने इनसे? मेरी ले ले। सुना तूने? किस आदमी से डायलॉग बोल दिया आपने? He doesn't know how to behave. मुझसे कहती? तुम दोनों ठरकी हो। और मेरा नाम मैरी है और मेरे हस्बैंड का नाम रमाकांत ले ले। नहीं करनी मुझे आपकी नौकरी। थैंक यू।
हमका पीनी है पीनी है हमका पीनी है हमका पीनी है पीनी है हमका अबे एंडी तो खुद नहीं कर सकता कुछ मेरे पीछे पड़ा हुआ है अरे एंडी ने पुलिस की रेड पड़ी है भागो पुलिस अबे यार यार हमका पीनी है पीनी है हमका पीनी है पीनी है हमका अबे साले कुछ अपनी मर्जी से कराकर सब कुछ मुझसे ही पूछ के करेगा क्या अरे करने का टाइम नहीं है पुलिस की रेड पड़ी है भागो पुलिस रेड रहना यार पीछे पड़ गई है अरे नो बाद में चल यार पुलिस चल ना यार पहन लियो बाद में अबे पहनने तो दे जल्दी चल ना अरे अंकल जी आप अबे माँ की आंख अंकल गायका नहीं 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 सर इसका मतलब सर था सर मैं तुम दोनों को अय्याशी के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ सर हमें अरे सर कैसी बात कर रहे हैं हम दोनों शादीशुदा हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर झूठ बोल रहा है ये मिश्रा 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 नहीं जासूस मिश्रा कहो जासूस इनके कोई बच्चे बच्चे नहीं है इसकी बीवी का नाम अंजलि है और इसकी बीवी का नाम किरण तुम्हारे पापों की वजह से तुम्हारे बापों ने मुझे यहाँ जासूस बना के भेजा है तुम्हारी बीवियों के कहने पर बीवियों के मैं तेरी जान ले लूंगा अरे छोड़ पहले अपनी जान बचा उधर घर में तुम्हारे बाप तुम्हारी बीवियों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाबू गोली मार देनी चाहिए दोनों को मार दो रिवॉल्वर नहीं है ना देखो मल्होत्रा शादी के बाद अय्याशी करने का भूत जिनके सिर पे सवार होता है वो लातों से और बातों से नहीं सुधरेंगे कैसे सुधारे इन दोनों को सोचो ये देखिए देख 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 मेरी बहू बेचारी सूख के काटा हो गई देखा अब अंकल भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं पापा नहीं बेटा मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ तुम वाकई में सूख के काटे ऐसे हो गई हो ये आंटी की वजह से मैं सूख कर काटा हो गई हूँ हाँ पापा आपको इनका कुछ करना ही पड़ेगा वरना मैं भी किरण की तरह सूख जाऊंगी नहीं, 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 नहीं बेटा किरण की तरह नहीं किरण की तरह नहीं और कितना सूखूं अरे नहीं नहीं रोते नहीं है मैं हूँ ना आज तुम मुझे ससुर नहीं अपना बाप समझो बाप अरे लेकिन इन दोनों ठरकियों को सुधारना तो पड़ेगा ना तो हम दोनों ने जो फैसला किया है वही ठीक रहेगा सुना दो फैसला हम दोनों ने ये फैसला किया है कि आज से ये दोनों हमारी बहुएं नहीं बेटियां हूँ और ये सिर्फ बेटियां नहीं होंगी तुम्हारी बॉसेस भी होंगी इन दोनों के नीचे तुम्हें मैनेजर बनकर काम करना पड़ेगा मैनेजर नहीं बीए बनके बल्कि उससे भी कोई नीची पोस्ट हो तो वो करनी होगी चपरासी देख क्या रहे हो आज से तुम लोगों का यही ड्रेस है आज से तुम दोनों प्ले बॉय नहीं बिजनेसमैन हो चलो किरण आज तुम्हारी गाड़ी में जाते हैं गुड मॉर्निंग बैठ जाओ ये तुम्हारे बॉस नहीं है क्या बोल रहे आपके बॉस वो है यस किरण वी आर द बॉसेस मिशन अकम्प्लिश्ड मिश्रा जी इसके बाकी के कपड़े कहाँ हैं इसके हाँ इनके पास है हमारे पास हेलो किरण जॉगर्स पार्क क्यों जॉगिंग करने इतना बड़ा बंगला इतना बड़ा लॉन क्या दिखाने के लिए चलो यहाँ जॉगिंग करो वहाँ जाके लड़कीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है नो सीधे ऑफिस जाना अरे माय कार ये है तुम्हारी गाड़ी एंड महादेव और ये है तुम्हारा नया ड्राइवर और सुनो सैम इसे खरीदने की कोशिश मत करना ये ऑलरेडी बिका हुआ है Excuse me. Oh yeah, please. Mishra, huh? ये क्या हो रहा है? Excuse me. Mishra. जी मैडम. Thousand से ज्यादा के expenses चेक करो. जिस नंबर पे 5 मिनट से ज्यादा बात की है, उसे फोन लगाओ. Thousand नहीं मैडम. एक एक मिनट का हिसाब होगा. Yes, sir. What will you have, sir? अब क्या पीना और क्या जीना यार. यार ये भी कोई जीना है एक बॉटल पॉइजन ले आ पॉइजन सर वो तो यहाँ नहीं मिलता सर बाहर से लेकर आऊँ दो ब्लैक लेबल लेके आ जा थैंक यू सर साला यार एक बात बता ये सुसाइड करने का सबसे आसान तरीका क्या है सुसाइड करने का सबसे आसान तरीका जाने क्या तूने सुनी जाने क्या मैंने कहीं अरे सप्लायर सप्लायर तो क्या नाम है आर के तिवारी राम खिलावन तिवारी हाँ
तो तुम हमारी कंपनी में गारमेंट्स से सप्लाई करते हो ना? अबे तू धोबी बना लोगे क्या घर का? सप्लाई करते हैं अभी बैठे हैं बस, मजा ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं। और बताओ तुम लोग मुझे सुपुर्दे खाक कौन होना चाहता है? मैं हैं? हम दोनों। दोनों वजह? यार हमारी पत्नियों ने ना हमारी जिंदगी नर्क बनाई हुई है। बताओ जीते जी उन्होंने बांस कर रखा है और आप दोनों बांस पे लटक कर स्वर्गवासी होना चाहते हैं। हाँ। यार तिवारी जी आपकी शादी हो गई? हाँ क्यों? भाभी अंधी है। अंधी क्यों होगी, क्या हुआ? आप पर कभी शक नहीं करती वो? ना, बल्कि मौका देती है, कुछ कर ले कुछ कर ले। तो आप कुछ करते हैं कि नहीं? ना। बहुत शरीफ बन रहे हो सप्लायर बाबू। अबे नालायक जो होते नहीं किसी लायक वही होते हैं शरीफ। तो हम तो बिल्कुल शरीफ नहीं है। हाँ तो गुड है ना, अपने औरतों को अपने मुट्ठियों में रखो। वो कैसे? अबे मुट्ठी टाइट करो, कहावत सुनी है कि नहीं? टाइन होती है ना वो भी सागर छोड़ के शिकार करती है। मेरा देखो ना अपनी खिड़की ना अपना मोहल्ला, देश के बाहर समुद्र के पार करता हूँ प्यार से शिकार। वाह बेटा, भाभी से गद्दारी? गद्दारी का ही के बे, बैंकॉक। बैंकॉक? बैंकॉक वो थाईलैंड वाला बैंकॉक? हाँ। अपना बैंकॉक? अपना बैंकॉक, छोटा सा ऑफिस खोल रखा, बड़े बड़े काम करता हूँ। वहाँ भी सप्लाई गिरी करते हो क्या? नहीं यार, वहाँ ऑफिस में लगा रखा ताला, पगल में खाला। बैंकॉक है बेटा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले मकान मालिक तक सौ सौ माल पटाया। सौ सौ? हाँ। आइडिया अच्छा यार इनका। बिल्कुल खतरनाक आइडिया है। हाँ यार अभी अभी मैनेजर बनाया बीवियों ने, निकाल दिया तो भिखारी बन जाएंगे हम लोग। अरे जहाँ तिवारी वहाँ काहे का भिखारी, बैठे रहो, आती नहीं बीमारी। बोलो सेटिंग करा दूं तुम लोग की, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हेलो क्या बोल रहा है ये, क्या सोच रहा है? इसकी तो हाँ ही समझो। और तेरी? अब जब ये हाँ बोल रहा है तो मेरी भी हाँ ही समझो। गुड मॉर्निंग। अरे फोन इतनी देर से बज रहा है, उठाते क्यों नहीं? यार ऑफिस से कोई होगा, तुम ले लो, जस्ट टेल देम आई एम बिजी। ओके। हेलो बैंकॉक से लोबो बोल रहे हैं? यस यस, बैंकॉक से कोई मिस्टर लोबो का फोन है, वो आपके साथ बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं। यार इंडिया के ऑर्डर्स पूरे कर नहीं पा रहे हम, बैंकॉक के ऑर्डर्स लेके क्या करेंगे? ये क्या किया? आपको अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए, इससे पापा भी खुश होंगे। हेलो क्या भाभी, कनेक्शन ढीला? यस यस वन सेकंड, लो वही है, बात करो बात करो। यस मिस्टर लोबो। अबे लोबो नहीं तिवारी बोल रहे हैं बे। क्या चाहते हो आप? चाहते तो बेटा तुम लोग हो कि बैंकॉक जा करके छैया छैया सॉन्ग गाए बगैर ऑर्केस्ट्रा। हाँ। हम तो सिर्फ इच्छा हाँ। पूरी करे, चलोगे कि नहीं चलोगे बे? हाँ बोलो ना। हाँ 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 हाँ। अरे हाँ हाँ तो ऐसे बोल रहा है, बीवी बगल में खड़ी होगी गाउन पहन के। जी हाँ। एक दिन देखना गाउनी में दब के मर जाओगे तुम लोग। ये हाँ ठीक ठीक क्या है, क्या कर रहे हो? देखो गुरु जब तक है तिवारी। तिवारी? हेलो भाभी जी, वो क्या है ना तिवारी नामक बीमारी, हमारा नौकर है एक। आपका नाम लोबो है तो तिवारी नाम का नौकर कैसे रख लिया आपने? भाभी हम तो बच्चन रखना चाह रहे थे, गलती से तिवारी मिल गया तो रख लिया, कोई गलती की। अच्छा एनीवेज मिस्टर लोबो, सैम आपके साथ बिजनेस जरूर करेंगे। हुँ? बस एक शर्त है। टेल मी। बैंकॉक मेरे हस्बैंड। भाभी जी मैं हूँ ना, 15-20 दिन में काम करा के वापस ले आऊंगा। सिर्फ 15 दिन में काम हो जाएगा? अब भाभी जी देखिए, काम की इच्छा तो इनकी जिंदगी भर खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं 15-20 दिन में 12-20 फाइल तो पढ़वा ही दूंगा उनको, माँ कसम। थैंक यू, आप बहुत समझदार हैं। अच्छा मेरी बीबी भी बोलती थी, मतलब है। मैं अपने हस्बैंड को डेफिनेटली आपके पास भेज रही हूँ, बाय। सेम सेम भाभी। यार मैं नहीं जाऊँगा। क्यों, क्या हुआ? मैं वहाँ अकेले बोर हो जाऊंगा। अकेले क्यों, एंडी तुम्हारा पार्टनर है, उसे ले जाओ। यार जब से तुमने उसे रंगे हाथों पकड़वाया ना, बेचारा बेरंग है, अपनी बीवी से डरा हुआ घूमता है अपने घर में। देखो चिंता मत करो, मैं किरण को समझा दूंगी, वो उसे परमिशन दे देगी। हेलो या किरण सुनो, हाँ अब आएगा मजा भाई, आ गए बैंकॉक। ऐसा कैसे मोड़ गया आए? और शाम जी, बैंकॉक हम जी, शाम जी नमस्कार। शाम जी तुम हिंदी बोल रहे हो यार? शाम जी आओ यार आओ। हम शाम जी नेपाल के रहने वाले, शाम जी हिंदी तो बोलता ना शाम जी। हाँ तो यार रूम तक तो छोड़ दो। हाँ शाम जी, वो शाम जी क्या है ना शाम जी, वो शाम जी हमको थोड़ा सा काम है शाम जी। वो क्या है ना शाम जी के, वो सीरिया का बादशाह मर गया। सीरिया का बादशाह मर गया? हाँ शाम जी,
सीरिया का बादशाह मर गया साहब जी। तुम्हें कैसे पता चला? वो साहब जी मेरे को फोन आया साहब जी। सीरिया का बादशाह मर गया, तुम्हें फोन आया? तुम्हें क्या मतलब साहब जी? वो साहब जी वो चिड़िया का बादशाह साहब जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चिड़िया का बादशाह, चिड़िया का बच्चा मर गया है साहब जी। मैं बात करता हूँ साहब जी, आप लोग आगे बढ़ा साहब जी, जाओ जाओ जाओ, आपको आपको आगे ज्वाइन करता हूँ साहब जी। यार इसे जाने दे, हम अपनी चिड़िया मारते हैं। यार कौन सी चिड़िया? लिसन प्रॉपर्ली, आई वांट एवरीथिंग शुड बी क्लीन, लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? आदमी चार, कमरा एक, बहुत ना इंसाफी, बहुत ना इंसाफी है। पर आप तो दो हैं। अबे दो दो लड़कियां भी तो आएंगी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। यहाँ के नियम पढ़ लीजिए सर। नियम? अबे मदिरा पान नहीं चलेगा, अबे कन्या राशि नहीं चलेगी। पर हमारी तो कन्या राशि नहीं है। अबे लड़कियां अलाउड नहीं है। ओए तीसरा, यार ये होटल क्यों बनाया यार इन्होंने, आश्रम बना देते। वैसे महानस्ती उजाड़ बस्ती पंडित है कौन, इनसे भेंट कहाँ होगी? यही। अबे हम हैं डॉक्टर सच्चिदानंद ब्रजमोहन पंडित, यहाँ के व्यवस्थापक अर्थात मैनेजर। नमस्कार। आप हिंदुस्तानी है तो थोड़ी आसान हिंदी में बोलिए ना, ताकि हम समझ सकें, और बार बार आपको अर्थात बोलने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ ये भी उचित, मतलब ठीक है। नियम पढ़ा आपने? पढ़ा पढ़ा पढ़ा। वैसे तो चेतावनी अर्थात तीन वार्निंग दी जाती है, पर यहाँ पर दो ही वार्निंग मिलेंगी। तीसरी बार आपका बोरिया बिस्तर एयरपोर्ट पहुँचा दिया जाएगा और आप दोनों के आगे पीछे रिजेक्टेड का बोर्ड लगा दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी लिफ्ट, कोई भी टैक्सी आपको एयरपोर्ट नहीं पहुँचाएगी, पैदल ही जाना पड़ेगा। और हाँ, इस होटल से निकाला गया गेस्ट पूरे थाईलैंड के किसी भी होटल में चेक इन नहीं कर सकता, ये रेपुटेशन बनाई है हमने। यार वो सब तो ठीक है, बट एक फाइव स्टार होटल के मैनेजर को पढ़ा लिखा होना चाहिए, और आप तो पंडित हैं। पंडित हमारा सरनेम है, और हमने बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किया है। हिंदी में एमए? क्यों, हिंदी में पढ़ा हुआ आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता क्या? हाँ होता है, पर अंग्रेजी एजुकेशन नहीं है, लैंग्वेज है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना तो कोई भी बोल लेगा, लेकिन एप्पल और बनाना में कौन से विटामिन है और शरीर के किस अंग में पहुंचते हैं, ये सीखना एजुकेशन है। एजुकेशन एकता सिखाती है, और लैंग्वेज भेदभाव पैदा करती है, समझे? वाह क्या भाषण देते हैं आप। समझ पाओ तो जीवन का मूल मंत्र, नहीं तो भाषण। इनका सामान रूम में पहुंचवा दो। यस सर। भेंट होगी, बार बार भेंट होगी। नमस्कार। यार ये तो बहुत पका हुआ है यार, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, पकाएगा तो सही। अरे बादर साहब जी, हम आपको उधर एक बात बताओ यार, एक बात बताओ साहब जी, दो बात पूछो ना साहब जी। यार ये साला पंडित क्या चीज है? अरे साहब जी पंडित को छोड़ो। अरे साहब जी एक बात बताओ, आप लोग इधर मोजा लेने आए हो ना? मोजा? अबे होजरी की दुकान, इंडिया में मोजे नहीं मिलते, जो वहां से यहां मोजे लेने आएंगे। अरे साहब जी मोजा नहीं साहब जी, मोजा साहब जी, मोजा साहब जी, पहनने वाला मोजा नहीं साहब जी, मोजा साहब जी, शौकरी लोगों के साथ साहब जी। अरे मजा, अरे वही तो करने आया यार। पर ये साला पंडित कबाब में हड्डी बन गया यार। साहब जी पंडित भेज चढ़िए ना साहब जी, आप यहाँ कबाब नहीं खा सकते। यार तो ये कबाब शबाब कहाँ मिलेगा? वो तो मेरे को मालूम है साहब जी, मैं आपको बताऊंगा साहब जी। तुम आदमी बड़े काम के लगते हो बहादुर। काम के लगते हो क्या मतलब साहब जी, काम का हूँ, बहुत कामों का आदमी हूँ साहब जी। मैं ड्यूटी बताता हूँ साहब जी, हर समय अपना काम करता हूँ साहब जी। होटल का कमरा हमने बुक करा दिया है, बाकी की इन्फॉर्मेशन तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगी दोस्त भाई डार्लिंग। साहब जी मैं साहब समझ गया साहब जी, आप लोग ये रख लो साहब जी। ये क्या, अबे साले ये क्या दे रहे साहब जी, ये मेरे तरफ से टिप है आपको साहब जी। साले टिप देगा मेरे को साहब जी, देगा बादशाह मर गया साहब जी, चल भाग यहां से। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ यार, और ये सब तेरी अंजलि की वजह से। अबे तू किरण को इतना भोला मत समझ, वो जुबान कम और दिमाग ज्यादा चलाती है। हाँ यार ये तो सही है, उसने मेरे पर्स से क्रेडिट कार्ड और पैसे कब निकाले पता ही नहीं चला। अब क्या करेंगे यार? वेरी सिंपल, अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे राबट। कहाँ जाएंगे यार? तिवारी कब काम आएगा यार, उसी ने आने का आइडिया दिया है। अभी गुड आइडिया यार। एक मिनट यार, हेलो पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए? मैं अंजलि बोल रही हूँ। अरे हाँ पहुँच गए बेबी। होटल कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा है, माइंड ब्लोइंग।
डार्लिंग एक और माइंड ब्लोइंग बात बताओ। हाँ बताओ। एक सरप्राइज है। अरे मुझे तुम्हारे सरप्राइजेस की आदत पड़ चुकी है यार। तो फिर जल्दी से रिसेप्शन पे आ जाओ क्योंकि हम आपका वेट कर रहे हैं। अबे भाग, अबे भाग रहा है कि जॉगिंग कर रहा है? अबे भाग क्यों रहा है, आग लगी है क्या? बम फटा है, बम फटा है। बम? ओसामा आ गया क्या? ओसामा नहीं, ओसामा की दो दो मम्मी आ गई यार। ओसामा की दो दो मम्मी है? अबे चल तो सही। अबे रिसेप्शन पे हमारी बीवी इंतजार कर रही है। अबे क्या, कहाँ जा रहे? समुंदर में, वहाँ मरने से अच्छा समुंदर में जाके मरूं। चल तो सही, मुसीबत का सामना करके मरते हैं। अबे नहीं। Excuse me? Yes? यहाँ तो लेडीज आई होंगी, कहाँ है वो? यहाँ तो कोई नहीं आया। सच कह रही हो? In fact, last 15 minutes में तो यहाँ कोई नहीं आया। अबे किसका है? किरण का फोन है यार। तो ले ना। हेलो, कहाँ तुम लोग? इंडिया में। इंडिया में? ओए क्या बात कर रहे हैं, इंडिया में? कैसा लगा हमारा सरप्राइज? तो वो मजाक था। Yes? Thank God. What? मेरा मतलब है कि हार्ट अटैक आते आते बचा मुझे। हमें हार्ट अटैक? तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है क्या? अरे अंजलि ने कहा ना तुम लोग यहाँ आए हो तो खुशी में हमें हार्ट अटैक आने वाला था। Thank God हम नहीं आए। अबे फोन क्यों किया? लेकिन फोन क्यों किया था तुमने? ये बताने के लिए कि तुम्हारा रूम नंबर तक हमें पता है। रूम नंबर पता है? और तुम्हें हर एक घंटे में हम फोन करते रहेंगे। ओके जानू। ओके जानू, बाय। बेचारे सोचते होंगे ना क्या बीवियां मिली हैं हमें। अंजलि और किरण ने मिलकर हमारी बैंड बजा दी यार। अब क्या होगा यार, इस होटल में रह भी नहीं सकते यार, यहाँ कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब वापस जाना होगा। गड़बड़ की तो वापस जाना ही पड़ेगा। याद है ना दो चेतावनी, तीसरी में वापसी का टिकट। नमस्कार, रास्ता दीजिए। अबे किरण और अंजलि को तो हम इडियट बना देते थे, इन्हें कैसे बनाएंगे? ये अंतिम चेतावनी है दोस्तों, इसके बाद सीधा एयरपोर्ट। I will make you राखी सावंत ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। Tell her not to kiss me। अबे यार पिक्चर बना नहीं, किस कर करके घिस दोगे? नाम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक तिवारी जी। अगर स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है। कोड़ी कोड़ी फ्रॉम इंडिया। तुम्हें ही याद कर रहे थे। आप हमें यहाँ याद भी करते तिवारी जी। करना ही पड़ता है भाई। तिवारी जी आप यहाँ बैठे हो और क्या, तुम्हें पेड़ पर नजर आ रहे हैं? बताओ कुछ हुआ या ऐसे ही दांत काट खुजली? कुछ भी नहीं। अरे कहाँ यार तिवारी जी, जिस होटल में हम लोग रुके हैं वहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता। कौन 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 से होटल में रुके हो? पीटर तो कह रहा था फेरी ड्रीम होटल में। अबे फेरी ड्रीम में कहाँ से रुक गए यार, वहाँ तो ड्रीम भी यू सर्टिफिकेट वाले आते हैं। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में रुक गए तुम लोग। सब इसकी वाइफ का अरेंजमेंट है। अबे मेरी वाइफ? हाँ और क्या, इसकी वाइफ को मालूम है ये बहुत बड़ा करू पांडे है। करू पांडे फ्रॉम इंडिया। यार अब आप इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे या कुछ कराओगे भी? प्लीज यार करवाते हैं, कुछ तो करो। अरे मोती को बांधो यार, आओ इधर बात करवाते हैं। तुम्हारे होटल में जो है गर्लफ्रेंड अलाउड नहीं है, बीवियां तो अलाउड है ना? हाँ अरे जिन बलाओं को वहाँ छोड़ कर आए उन्हें यहाँ लाने की बात कर रहे हैं। अरे अरे छोड़ यार, चल इनके बस की नहीं यार, चल। क्या चल चल, जहाँ तिवारी वहाँ होती नहीं बीमारी। मैं असली बीवियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तो नकली बीवी। तुम कौन हो? हाँ किरण। जब नेटवर्क स्लो हो ना तो डाउनलोड होने में टाइम लगता है यार। ये तिवारी ने कैसी लड़कियां दे दी यार, तू समझा इन्हें? ध्यान से सुनो, तुम हो अंजलि इसकी बीवी और तुम हो किरण मेरी बीवी। और एक बात और, पंडित के सामने कोई मुंह नहीं खोलेगा। ओके चलो। साहब जी नमस्कार। अरे बहादुर, क्या हाल है बहादुर? साहब जी बढ़िया। साहब जी, साहब जी आप लोग अचानक से आ गए। साहब जी बहादुर माय वाइफ। अरे मेरी नमस्कार। नमस्कार साहब जी, एकदम से अचानक से आ गए साहब जी। यार इन्होंने सरप्राइज दे दिया, क्या करें। सरप्राइज बस साहब जी, हमारे पास भी आपके लिए कुछ सरप्राइज है साहब जी। क्या बात कर रहे हो? हाँ साहब जी इनसे बेटर है और क्या साहब जी। साहब जी
मिस्टर लोबो आपसे बात करना चाहते हैं साहब जी। लोबो कौन है? लोबो तिवारी, तिवारी लोबो तिवारी। हाँ साहब जी, लोबो कहाँ नहीं है साहब जी, ये रहे लोबो। सुन क्या बैठा है? ये लोबो है? ये लोबो कैसे हो गया? अरे ये लोबो है। अरे हम लोबो है, हम लोबो है बाबा, लोबो। हमारे माँ बाप ने हमारा नाम लोबो रखा है। तिवारी को क्या हो गया? गोवा में कितना बड़ा पार्टी बनाया था जब हम पैदा हो गया था, मालूम है? सौ ठुकर खाना था। ये ऐसा क्या करके देखता है नीचे से? तुम शामी है, तुम एंडी है, तो हम लोबो है और हम बहादुर है। और ये इन दोनों का वाइफ है? ये दोनों का वाइफ नहीं है। इसको कैसे पता? इसको कैसे पता चला हमारी वाइफ नहीं है? हाँ फिर तुम बोलो ना, इसका बीबी तभी बात करेगा। नहीं 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 सर, आप ही लोबो हैं, आप ही लोबो हैं सर। हाँ फिर हम आपके ही साथ तो बिजनेस करने आए हैं। That's good, 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 very good, very good. हाँ ये तुम क्या बिजनेस करते हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारा बिजनेस कार्ड हम तुमको देते हैं। चलो कल ऑफिस में 11 बजे हम लोग मिलेगा, बिजनेस टॉक करेगा। ओके जी सर। बाय, सी यू। ये वाइफ नहीं है रे, हमको मालूम है रे, किसी ना किसी का तो वाइफ है। अबे ये मुसीबत कौन सी है? अबे ये मुसीबत तेरी बीवी की पैदा की हुई है, तू है इसका बाप, तू। यार ये कैसे आ गया यार? ये ऐसे आ गया। अबे क्या किया यार तूने? कौन था ये? अबे ये था तेरी बीवी का चमचा, यहाँ आया था हमारी जासूसी करने। अबे और अगर अंजलि ने भेजा हो तो फंस जाएंगे। अबे फंस जाएंगे नहीं, फंस गए हो। ये दोनों आइटम कौन है? बीवी है हमारी, बीवी है हमारी। अभी इंडिया में बात की, वो वाली कौन थी? इसे कैसे पता चला? अरे तुझे बड़ी आदत हो गई उंगली करने की। अबे तुझे होटल के पैसे दिए हैं ना, अब हमारी जो मर्जी होगी ना वो करेंगे, वो हम करेंगे। तुम भाई भाई वो करो, करोगे? पहले तो अंजलि और किरण करेंगी। अबे जाके होटल का बाथरूम साफ कर, अपनी शक्ल देखिए, जल क्यों रहा है? अगर हमसे लड़कियां पड़ गई हैं तो? लड़की नहीं पड़ रही तो जलन हो रही है। अबे मालूम है लड़कियां किससे पड़ती है? नहीं नहीं, हम जैसो से स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग, ऑसम। सुना ऑसम? सुना तू है समसम। अबे समसम नहीं, तू है फिसड्डी बम। साले वहां से बत्ती लगाऊंगा ना तो जलने के बाद भी फटेगा नहीं मालूम। अबे पागल है यार ये। अरे साहब जी ये क्या कर दिया साहब जी आप लोग? आपको उससे पंगा नहीं लेना चाहता साहब जी? वो पंडित से क्यों नहीं करे पंगा? अरे साहब जी वो बहुत डेंजर आदमी है साहब जी, साहब जी को मालूम है? वो जब साहब जी हंसता ना साहब जी, इसका मतलब साहब जी वो गुस्सा हो गया साहब जी, वो बहुत उल्टा खोपड़ी का आदमी साहब जी, आपको मालूम है साहब जी? वो उल्टा पैदा हो गया था। कर क्या लेगा बे वो? कर क्या लेगा बे? आपको मालूम है साहब जी उसके बारे में? साहब जी वो इतना खतरनाक आदमी है साहब जी। पंडित? और मैं पूछता हूँ साहब जी, आप लोग इधर मौजा करने के लिए आना साहब जी? हाँ। तो मौजा करो ना साहब जी। साहब जी मैं आप लोगों को बता दूं साहब जी, इधर मौजा किधर होता है साहब जी? ठंडा कर देगी। अबे तू किसी और को ढूंढ ले। She is mine. अबे she is mine. टॉस कर ले। हेड्स मैं जीता, टेल्स तेरी। टॉस नहीं, ट्राई करते हैं। तू जीता तेरी, मैं जीता मेरी। दूसरे की छूए हम पर छाया, कम कर दे अब ये दूरियां।
you like it when I'm playing with your boy, boy? Are you feeling what I'm feeling? Will you be my toy? Take me up, get so high and live it up, boy. Meri chahre ki taraf tu ye nigaahein maar de, dil ki in gehraiyon se aaj khud ko jod de. Dhoop jaisi jal rahi hoon main to teri pyaas mein. Meri chaahat ke baadal hain bas tere. ये हमारी होने वाली पत्नी मंगेतर कविता है। मुझे प्यार से लोग पोयम कहते हैं। क्या कहा था तुम दोनों ने कि लड़की पटाने के लिए स्टाइल चाहिए, हैंडसम स्मार्ट लुक चाहिए। अब कौन हैंडसम कौन स्मार्ट है, हम कि तुम दोनों? और क्या कहा था तुम दोनों ने कि तू आइटम तो छोड़, सड़क छाप लड़की को पटा कर दिखा। अभी आइटम है कि नहीं, तुम दोनों सड़क छाप हो कि नहीं? अब तुम दोनों स्वीपर बन के गेस्ट के टॉयलेट साफ करोगे, यही कहा था ना तुम दोनों ने? अरे प्रेम करने के लिए मीठी जबान और बुद्धि चाहिए, वो हमारे पास है। तुम दोनों की फीस माफ है, याद रखना इस कविता को। नमस्कार। पोयम यार, स्कूल में भी पोयम याद नहीं होती थी मेरे को। भूल जाए इस पोयम को, इसे याद करना तो दूर की बात, पढ़ भी नहीं सकते। क्या कह रहे तू? अबे वेरी सिंपल, आएंगे लड़की का रेप करेंगे, बचा लेना प्लीज। किसको, आपको या लड़की को? यार ये बहुत ही पुराना फिल्मी फॉर्मूला है। अरे डार्लिंग ओल्ड इज गोल्ड, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये दोनों बोल रही है तो फॉर्मूला अच्छा ही होगा। चुप कर, लगना चाहिए तुम बहुत ही खतरनाक विलेन। अबे ऐसा विलेन बन के आऊंगा कि लड़की खुद ही कहेगी रेप मी, मालूम है? कॉलेज में इतना विलेन किया था, नारद कंच, उसका नाम क्या था, शूपनखा का भी क्या होगा, शूपनखा वाली सालों ने रिलीज नहीं की यार। पर ये नाटक नहीं रियलिटी है, पंडित के लोग भी होंगे वहाँ पे। अब बताओ पंडित के लोगों का रेप भी मुझे ही करना पड़ेगा यार? तुम्हारा रेप ना हो जाए उल्टा। नहीं रेप वेप से हम डरते थोड़ी है कोई यार, रेप गोनिया चिकन गोनिया। भाभी जी कह रही हैं अगर पंडित जी ने कहा कि हवन के बीच में हम भी नींबू निचोड़ेंगे तो सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो शॉर्ट टाइम के ना लगा देना चार पाँच, भाग जाएगा वहाँ से। अच्छा तो फिर देख तू अग्निपथ के अमिताभ का कमाल क्या? अबे ये कौन सी मिलीजुली सरकार है? अरे अभी रिहर्सल कर रहे हैं, रिपीट टेलीकास्ट में ऐसा अमिताभ बच्चन करूंगा जया जी भी कहेंगी नमस्कार भाई साहब कैसे आना हुआ। थैंक यू। ए मालूम क्या? और वाय वाय नहीं, क्योंकि अपुन इधर का भाई है। क्या वाह, तो मैं क्या करूं? वाह करना अपुन को है मालूम। क्या करना है? मेरा नाम है विजय दीनानाथ तिवारी, आज रेप की है तुम्हारी बारी। क्यों तिवारी, सुबह पूरी बोतल चढ़ा ली है सारी, पागल है क्या? पागल हा? बोलती है हाँ। अपुन इधर बैंकॉक का डॉन है, जिधर भी जाता है लड़कियों के माँ बाप बोलते हैं घुस जान नहीं तो तिवारी आ जाएगा, और ये तीन हरामजादे। वाह गेट आउट यू वाह गेट आउट बोलती है विजय दीनानाथ तिवारी को मालूम।
अभी मालूम पड़ेगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। एक मिनट, डराओ मत यार, मैं डॉन हूँ। डॉन के आगे किसी का चलता नहीं है। वाह। अरे कीर्तन में नहीं आया, रेप सीन है यहाँ। वाह 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 वाह, ये दोनों भी कहाँ चले गए? यहाँ घास में बहुत दिक्कत होगी मैडम रेप करने में। चलो घर, चलो मेरे घर, चलो चलो चलो, उठाओ उठाओ उठाओ। व्हाट, हेल्प मी। 15 मिनट का रेप के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट, मालूम 15 मिनट के लिए मेरे साथ चल गई। हाँ जी पंडित जी। नमस्कार, क्या हो रहा है ये? नमस्कार, अरे सिस्टर को बोल रहा हूँ, चलो रेप करके 2 मिनट में ड्रॉप कर देंगे, मान नहीं रही है। देखिए श्रीमान जी। श्रीमान जी, हम आपका सम्मान कर रहे हैं। अरे वाह वाह, इतना सम्मान, अपन को पछता नहीं मालूम। यू नो, ये हमारी होने वाली पत्नी है और हम विवाह करने वाले हैं। अरे आप विवाह करते रहिएगा, हम 5 मिनट में यूं गए रेप करके ड्रॉप करके जा रहे हैं। ये उचित नहीं है। खाना देखिए, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये उचित नहीं है। अरे महाराज, शादी के बाद हाथ जोड़ रहे हैं दोनों को, शादी कर लेना, सिर्फ रेप करके आ रहे हैं यार 5 मिनट में, तुम समझते नहीं हो यार। मालूम क्या हस्बैंड चूज किया, ऐसा हस्बैंड चूज करो जो 12-14 मिनट बाहर जाने को दे। है ये क्या कर रहा है? ओ फाइट करेगा तीनाना तिवारी विजय से। आजा बेटा। अरे ये तो केकड़ा बन गया। ए, 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 पंडित, 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 पंडित। पहले बुलाया और फिर मार रहे उसको। ये सारा ड्रामा इनका था। इन्होंने 7:30 बजे फोन करके मुझे कहा था कि बहन जी का रेप करो। बुलाया था कि नहीं तुमने? तुमने बोला था। मैंने पंडित जी, मैंने सोचा था आप एक अच्छे आदमी हो, आप तो एक नंबर के ढोंगे पाखंड निकले। अरे तुम्हारी नजरों में उठने के लिए उसने प्लान बनाया था। थैंक गॉड तुमने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। अरे लेकिन, अरे गुरुजी, कुंग फू वाला आइडिया तो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया था। पंडित जी, क्या सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने आए हो? नहीं 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 नहीं, गुड बाय कहने आया हूँ। गुड बाय? हाँ, मान गए आप लोग लव गुरु हैं। हम भारत जाकर अपने लिए कोई अच्छी सी कन्या तलाश करेंगे, कविता हमारे योग्य नहीं थी। पहली बार तुमने अकलमंदी की बात की है। नहीं नहीं, अब तो हम बहुत अकलमंद हो गए हैं, संसार में सीख मिली है कि जीना कैसे चाहिए, हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। मतलब अब हमारी भेंट तो होगी नहीं? नहीं, अगर शीघ्र आ गए। कौन आ गए? अबे यार, अगर जल्दी आ गए तो भेंट होगी, वरना हमेशा के लिए नमस्कार। कबाब से हड्डी गई। Thank you.
पोज करा टाइटैनिक दा पोज बना के तेरे ना फुल फुल मौज करा डू इट अगेन बॉय गड्डी दे बोनट उत्ते खड़ के आज मैं तेनू पर पोज करा टाइटैनिक दा पोज बना के तेरे ना फुल फुल मौज करा तू मेरी गर्ल फ्रेंड ले जाना तेनू पिंड सीने च पा जा ठंड मेरी गल फ्रेंड ले जाना तेनू पिंड सोनिए अच खावा तेनू नव टेक्नोलॉजी अपना दिल दी एस्ट्रोलॉजी हिट होनी तेरी मेरी बायोलॉजी ओए होए ओए होए अच खावा तेनू नव टेक्नोलॉजी अपना दिल दी एस्ट्रोलॉजी हिट होनी तेरी मेरी बायोलॉजी ओए होए ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का साहब जी कोई पार्किंग जोन है मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था ये कोई तरीका है क्या क्या बक रहा है बहादुर बहादुर यस ओए शाला आप मेरा नाम जानता है पर मैं आपको क्वेश्चन नहीं जान पा रहा है कौन है ओ पंडित जी नो पंडित ओनली पैंट्स नाम के साथ धुलिया भी चेंज कर दिया बहादुर ओ साहब जी आप तो पूरे टोटल चेंज हो गए साहब जी गाड़ी के साथ खुद का भी कॉलर करवा ले साहब जी बाल भी चेंज हो गया आशा लग रहा है रेगिस्तान में फौज गए साहब जी साहब जी आप कोमल लग रहे हो कौन कोमल पांडित जी कोमल साहब जी अद्भुत अद्भुत लग रहे हो साहब जी कमाल अब तो कमाल दिखना ही है बहादुर साहब जी वो दोनों स्मार्ट डैशिंग हैंडसम ऑसम को दिखाना है कि मैं क्या चीज हूँ कहाँ है वो दोनों पोएम स्वीट हार्ट सेनोरिटा ए ब्रो अबे मुगले आजम ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में आ गया बे लात मार के गई मैं वेट कर रहा था क्यों भाई श्रीमान पंडित ए नो श्रीमान नो पंडित ओनली पैंट्स ड्यूड पैंट यस तुम दोनों मेरे गुरु हो ना मुझे चेंज करने के चक्कर में मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया तब से मैंने सोचा कि अपने आप को बदल दूं बदल दिया बदल के किया क्या कोई आइटम पटाई ये आइटम एक नहीं दो दो आइटम बम बोलो दो दो तेरे टाइप की होगी बे ये देख लोगे फट जाएंगी क्या आंखें ओ अच्छा पोएम से अच्छी ये पोएम को तुम लोग पढ़ते रहो मैं तो पूरी पूरी लाइब्रेरी उठा लाया यार लेकिन दो दो पटाके करोगे क्या ए, जो मेरे लायक होगी उससे शादी कर लूंगा अबे तो दोनों तेरे लायक होगी तो दोनों से शादी करेगा क्या ये दोनों से कर सकता हूँ बस तुम लोग एक बार देख लो और ये बताओ मेरे लिए कौन सी ठीक है तुमको कौन सी अच्छी लगती है मुझे तो दोनों कमाल लगती हैं कि जैसा कि नाम से लगता है क्या नाम है एक का नाम है अंजलि और दूसरी का नाम है किरण किरण मैंने उन दोनों को बुलाया है तुम दोनों को ये देखना है कि कौन सी मुझसे ज्यादा प्यार करती है ताकि मैं उसे इंप्रेस कर सकूं किरण भी आई है किरण और अंजलि दोनों यस ड्यूड अंदर चलो आज तुम उनसे मिल ही डालो नहीं नहीं हम लोग दूर से देखेंगे दूर से ही पहचान जाएंगे ओके दैट्स राइट बट अंदर नहीं चलना है हम यही ठीक है ओके तो तुम चल के उस कोने में ताड़ो जो तुम्हारी ताड़ने की आदत है ताड़ो ताड़ो तेरी वजह से कुछ नहीं किया वरना अबे वरना क्या करता वरना उस पंडित की पंडिता ही बुला देता साला छोटा सा बड़ी बड़ी बातें करता है यार उनका ही तरीका यूज करना पड़ेगा वरना हम नौकर बन के रह जाएंगे यार तो क्या अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करते रहे यार हम और कर भी क्या सकते हैं हाँ यार
पंडित से प्यार से बात करनी पड़ेगी। ये जल भुन गए। तुम दोनों मेरे गुरु और लव गुरु। बस मुझे इतना सा बता दो कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सी सही है। अरे दोनों ही घटिया हैं। तुम्हारे लायक नहीं है उनमें से कोई। नहीं, जैसे कौन सी ज्यादा घटिया है, अंजलि या किरण? अंजलि। अबे किरण, अंजलि। किरण, अंजलि, एक मिनट, अंजलि, अंजलि। यार अंजलि और किरण मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो तुम लोग लड़ाई करके उंगली क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? हाँ यार, सॉरी सॉरी, हम तो भूल ही गए थे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए तुम लोगों को ये लगा कि वो दोनों तुम्हारी पत्नियां हैं, करेक्ट? यस, यू आर राइट। हमें तो लगता है वो दोनों शादीशुदा हैं। लगता है मतलब शादीशुदा है वो? क्या? तुम्हें कोई सिंगल लड़की नहीं मिली? अरे मिली थी ना कविता, उसको छीन लिया तुम लोगों ने। तो क्या शादीशुदा औरतों की जिंदगी बर्बाद करोगे? ना ना ना, आबाद कर रहा हूँ। और उनके पतियों का क्या होगा? अरे उनके पतियों का घंटा होगा है? वो तो इंडिया में वैसे रहते हैं, रास्कल कहीं के। क्या बोला? यार, उनके पतियों को बोला। ऐसे किसी के पति के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ऐसे पति के बारे में नहीं बोलना चाहिए? वो अपने पतियों के बारे में भरे मार्केट में बोल रही थी, साले लुच्चे वो, लफंगे वो, गंदे वो, बदसूरत वो, सड़ेले वो है, उनका कोई दीन ईमान नहीं है। हमारे बारे में? हमारे बारे में? अरे तुम्हारे बारे में कैसे बोल रही थी? वो अपने पतियों के बारे में बोल रही थी। उनके बारे में बोला? उनके बारे में। और एक बात बताएं, ये बात सुनकर मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं भी आज बताता हूँ तुम्हें, सालों का डिवोर्स करवा के रहूंगा और मुझे मिल गया तो मार मार के कचूमर निकाल दूंगा, साले गंदे पति। तुम्हें बता क्या करें? पहले तो अपना घर बचाना होगा यार। हमें हमारी पत्नियों पे भरोसा होना चाहिए। यार पत्नियों पे भरोसा है? ये जो टिंगू है ना, इस पे भरोसा नहीं है मेरे को। दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बचाने के चक्कर में लगे हुए थे, क्या नजारा था। तुम लोग वहाँ होते तो हंसते हंसते पागल हो जाते। Thank God, हमने उनकी शक्लें नहीं देखी। क्यों, हम पागल हो जाते ना? Oh God, पागल। मगर पंडित जी, आपको लगता है जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? अरे हम गलत क्या कर रहे हैं? देखो, जो जो इंसान जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, वही कर रहे हैं। या हमने तो आपकी बातें सुनकर उनको डिवोर्स देने का ही फैसला कर लिया था। तुम हमेशा पत्नी बनकर रही, कभी कभी प्रेमिका बनकर भी देखती। अब उन दोनों को इस बात का एहसास होगा कि उनकी पत्नियों में वो सब कुछ है जो वो दूसरी कन्याओं में खोजते फिरते हैं। थैंक यू भैया, हम इसी उम्मीद पर आपके साथ यहाँ तक चले आए। पंडित जी, हमें अपने हस्बैंड वापस मिल जाए बस। हेलो, हाय सैम, वेयर आर यू डूड? नर्क में। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें सिर्फ फोन किया, अगर तुमसे मिलने आता तो मैं भी तुम्हारे साथ नरक में जाता। फोन क्यों किया? अरे यार, आज मुझे दोनों ने डिनर पे बुलाया है, अब तुम ही बताओ मैं किसके साथ जाऊं, अंजलि के साथ या किरण के साथ या फिर दोनों के साथ? अरे किसी के साथ नहीं, वो दोनों ही तुम्हारे लायक नहीं है। व्हाट, तुम्हारे कहने पे मैं प्रोग्राम तो नहीं कैंसिल करने वाला, जाऊंगा तो सही बॉस। अच्छा सुनो, अगर जाना ही है तो किरण के साथ जाओ। सच? उसकी और तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट है। तो तुम्हारे हिसाब से किरण अच्छी है ना? हाँ हाँ, किरण बहुत अच्छी है। लगता है एंडी साथ में नहीं है। और शादी करने के लिए कहे तो पहली फुर्सत में शादी कर लेना। आज ही किरण के साथ सब कुछ फाइनल कर देता हूँ। और किरण को बोलो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे और शादी कर ले तुमसे। ओके ओके। सैम, अपनी वाइफ को बचा लिया? यार मैं क्या करूं, वो पंडित पंडित तेरी वाइफ के साथ जाएगा तभी यही कहेगा। तूने उसकी आंखों में देखा कितनी हवस है? तेरी बात तो सही है, वो पंडित साला भूखा शेर है, हमें अपनी वाइफ को बचाना चाहिए यार। देखो, घर की शोभा घर वाली बढ़ाती है, बाहर वाली नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? बताओ, घर में इन दोनों की बीवियां पड़ी हुई हैं और ये दोनों दूसरी लौंडियों को लेकर बाहर घूम रहे हैं, कमाल है, शर्म नहीं आती है? लो, अब तिवारी भी ऐसी बातें कर रहा है, वो भी ऐसा आदमी। ऐसा आदमी किसको बोला भाई? नहीं 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 तिवारी भाई, इसका मतलब ये नहीं है। बोला किसको ऐसा आदमी है? इसका मतलब है आप बहुत ही शरीफ आदमी है, बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी है आप। अबे सुन, इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं हूँ मैं, दे दिया ना सबूत, बोल रहा था खा मखा। क्या इसकी तो आदत है बकवास करने की। अबे किरण को भेज दिया पंडित के साथ डिनर करने के लिए। अभी तो तेरे को अपनी वाइफ पे भरोसा नहीं है, मैं क्या करूं? तू अंजलि को नहीं भेज सकता था? हेलो हेलो हेलो, उसके लिए दोस्ती भूल रहा है? हेलो दोस्ती, पंडित बहुत क्लेवर आदमी, बहुत चिचोर आदमी है, एक हाथ से घी एक हाथ से मक्खन खा रहा है, पेट में सब कुछ उसके जा रहा है, तुम लोग भूखे मर जाओगे, समझ रहे हो? लेकिन हम करें क्या? जाओ पता करो कहाँ खाना खाने जा रही है। फिर क्या, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, तुम लोग सिर्फ डरो, मैं हूँ ना। अबे हिंदी नहीं समझते, आमी को खुद को हक को हाय। He's there. कुछ भी कहो, मुझे तो बहुत मजा आता है, खाते रहो पीते रहो मौज उड़ाते रहो। Love you darling, love you too darling. देख रहा हूँ, हम लौंडे जो हैं घूंघट में घूम रहे हैं और तुम्हारी बीवियाँ गले में गला डाले बैठी हुई हैं। तिवारी जी यार थोड़ी तमीज से बात करो, हमारी बीवियाँ हैं। अरे बीवियाँ तो क्या, बस कैबरे करना बाकी रह गया पंडित के साथ। कैबरे क्या करे तिवारी जी, क्या करे, मतलब ढोलक बजाओ जा करके।
सुनो हेलो अबे हाफ पैंट ये क्या हो रहा है अबे दूसरों की बीवी पे नजर मारता शर्म नहीं आती ए चड्ढी बनियान कौन दूसरे की पत्नी अबे अबे अंजलि मेरी वाइफ अरे किरण मेरी पागल हो गए हो मैं तुम्हें जानती तक नहीं तुम दोनों जबरदस्ती हमारे गले पड़ रहे हो अपने एंडी को भूल गई एंडी को उप ए हाथ मत लगा बे तो हम तुम्हारे हस्बैंड नहीं बिल्कुल नहीं ये कौन है पंडित जी हैं हमारे वो कौन इनका होने वाला शायद पति बुढ़िया हस्बैंड और हम बंदूक से निकली गोली जो फुस हो चुकी है दुनिया जानती है हजारों के सामने हमने फेरे लिए और अब तक चक्कर करवा रही हो ये बात अपनी पत्नियों से कहो अरे अपनी पत्नी से ही तो कह रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ खुजली खुजली नाम है मेरा इंस्पेक्टर खुजली जैसे जेटली ब्रेटली ब्रूसली वैसे ही खुजली ब्रूसली पे कभी हंसे क्या हंसे तो चीफा फू और पंडित जी नया स्टाइल नया गेटअप क्या हाल है अभी तक तो अच्छा था लेकिन इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है क्या किया इस विक्रम बैताल की जोड़ी ने ये दोनों कह रहे हैं कि ये दोनों इनकी पत्नियां हैं ये लड़कियां क्या बोलती हैं खुजली जी हम तो इन्हें पहचानते भी नहीं हम तो इनसे कभी मिले भी नहीं ये दोनों लड़के आपकी गर्लफ्रेंड है और ये कहते हैं इनकी पत्नियां कोई सबूत यस कौन है ये भूत या कौन है तू ये हमारे गवाह हैं यस क्राइम का यस नहीं नहीं ये हमारी पत्नियों को जानते हैं यस मैं इनकी शादी में गया था दोनों घूंघट में थी मैं हाथ देख के पहचान सकता हूँ कि ये दोनों कौन है पुलिस को घोंचू समझा है पुलिस हाथ नहीं चेहरा देखती है जब तूने इनका चेहरा ही नहीं देखा तो गवाह क्यों बन रहा है ये झूठा है ये तीनों मिले हुए हैं हम इनकी पत्नियां नहीं हैं ये दोनों लड़कियां तो इनकार करें क्यों केबा क्यों भाभी जी क्या खाया क्यों इनकार करें मुझे क्या पता क्यों इनका आज पता नहीं है पता नहीं तो खामोखा इनका गवाह क्यों बन रहा है पुलिस जी मैं इन दोनों को जानता हूँ अबे जब इनको जानता है तो इन दोनों को इनकी पत्नी क्यों कह रहा है बस हमारे पास बेकार की बातों के लिए टाइम नहीं है अरे यही बात तो मैं कह रहा हूँ ये मरून वाली और ये अखबार का टुकड़ा इनकी बीवियां प्लेंचो ये इनका अब्बा का नाम था ये पंडित आपको चिरकुट बना रहा है ना फूफा जब ये लड़कियां इनको हस्बैंड मानने से इनकार कर रही हैं तो तू क्यों बीच में फुदक रहा है क्या तू इनकी शादी में पंडित था मंत्र पढ़े थे गधे के बच्चे ये गधा घोड़े की तरह दौड़ता है ये भी गए अभी मैं भी जाता हूँ अपनी प्लानिंग कामयाब रही सौतन जो है प्लास्टिक की हो या मिट्टी की बीवियों को हमेशा बुरी लगती है तो हम दूसरी शादी कर ले पहली संभली नहीं पंडित ले गया दूसरी करोगे पादरी लेके भाग जाएगा वो भी तुम्हारी मोटरसाइकिल से तुम्हारी जेब से चाबी निकाल के इडियट उस पंडित की तो मैं पंडित इंस्पेक्टर का आदमी है याद है मेरे थोबड़े को स्विट्जरलैंड जैसे थोबड़े को मार मार के तालिबान बना दिया था धूल उड़ा था चेहरे पे डस्ट एक बार हमारी पत्नी हमें दिला दीजिए कुछ भी करेंगे क्या करोगे तुम्हारी पत्नियां तुम्हें पहचान नहीं रही है स्ट्रीट डॉग की तरह टैकल कर रही है तुम लोगों को कुत्ते ये बात तो सही है अरे सिस्टर इन लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं अरे वो छोड़ो तुम तो वही हो ना जो पंडित से डर के भाग गए थे वावा वावा वाले नो मैं भागना नहीं चाह रहा था हाथ से उनके सामने था तो पैर ही कांप रहे थे मेरे अब बताओ ना भाई तुम वो एक्चुअली अहिंसा के पुजारी हैं अरे यही इनकी बीमारी है ऑफ कोर्स बेचारे को मार नहीं सकते थे अच्छा ये बीमारी तो मेरी भी है पूरी दुनिया मेरे पीछे और मैं दोनों के देखो हरे कपड़े में हो बबूल से टकराओगी तो कांटे मिलेंगे खजूर से टकराओगी तो यू मे गेट समथिंग Something? अरे बबुल बबुल पैसे वसूल हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व करो अरे इसको पढ़ लो ना हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व उतरो उतरो अच्छे से कमां कमां बिल्कुल तैयार हो ना बिल्कुल अब हमें हर चीज का सामना करने की हिम्मत है चाहे सिचुएशन जो भी आए जिस काम के लिए आए उसे पूरा करके ही जाएंगे वेरी गुड वेरी गुड कीप इट अप बट बी केयरफुल हैं वो देखो यही तो कविता है इसी के चक्कर में तो शकला का बुम बुम हो रहा है जानो ये कुछ ज्यादा नहीं कर रहा ज्यादा नहीं कर रहा ये तुम्हें जलाने के लिए कर रहा है लेकिन तुम्हें जलना नहीं है इनको जलाना है मैं अभी इसे ठीक करती हूँ क्यों अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी लेकिन ये लोग हमारे नाटक का फायदा उठा रहे हैं कहाँ जा रही हो उसकी हद देखना चाहती हूँ टेक इट इजी किरण वो और कुछ ज्यादा नहीं कर सकते वो ये जानबूझ करके कर रहे हैं ताकि हम उनके सामने जाए और हमारा ड्रामा उन्हें पता चल जाए लुक दे कांट डू एनीथिंग मोर अरे मुझे भी यार हाथ दे देख अब बोल
करो बर्दाश्त। सच ये बहुत ही बेशरम है। अभी तक तो तुम मुझे हिम्मत दे रही थी ना। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। अरे ये, अरे किरण, अरे अंजलि, अरे किरण। पत्नी सिर्फ पत्नी ही रहती है। पंडित जी, हमने सोचा था कि आपकी बात मानेंगे तो हमारे हस्बैंड रास्ते पे आ जाएंगे, पर वो लोग तो रास्ता और भी भटक रहे हैं। गलत, इतनी जल्दी कैसे फैसला कर लिया आप लोगों ने? आप कमाल करते हैं, वो किसी भी औरत को हमारे सामने हक करते हैं और आप कहते हैं कि हम बर्दाश्त करें? नहीं, हम यहाँ उनका ड्रामा देखने नहीं आए हैं। अरे तो क्या चाहती हो आप लोग? हम इंडिया वापस जाना चाहते हैं। ये तुम लोगों का आखिरी फैसला है? बिल्कुल आखिरी फैसला। चलो चलो जल्दी चलो, 6:55 की फ्लाइट है, नहीं तो देर करोगी तो छूट जाएगी। आ जाओ, रुके क्यों, चलो। लेकिन आप नाराज क्यों हो रहे हैं? और नहीं तो क्या, ऐसा लगता है मेरा घर बर्बाद हो रहा है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, अब आप ही बताइए क्या करें। जैसा मैं बोलता जाता हूँ वैसा करती जाओ, फिर देखो चमत्कार। ठीक है, अब हमारी खुशी आपके हाथों में है। हाँ ये हुई ना बात। ये लोग कहाँ हैं और कब तक आएंगे? लो आ गए। ये दोनों तो मॉल में मिले थे ना? हाँ भैया भैया। यहाँ बैको किस लिए आए? बिजनेस के लिए। ये दोनों क्यों नहीं कह रहे? शरीफ लोग हैं, पुलिस से डर जाते हैं। जी सर सही कह रहे हैं। किसके साथ बिजनेस करने आए थे? ये कौन है? मैं पोएम। किसकी पोएम? सर इनकी पोएम है। जी इनकी पोएम। तो वो पोएम किसकी थी? वो सर वो हमारी थी। अच्छा 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 तुम्हारी थी। अरे सर उस रोज लोबो आया था 11 बजे, मंडे को मीटिंग फिक्स थी। हाँ। मीटिंग की? सर नहीं, नहीं। क्यों क्यों? भूल गए। भूल गए? लो इंडिया से बैंक ऑफ मीटिंग करने आया और भूल गए? सर वो हम थोड़े बिजी हो गए थे। इनके साथ? हाँ। नहीं तो फिर फोन करके कांटेक्ट करके सॉरी बोला लोबो को? हाँ सर। हाँ? नहीं क्या? नहीं सर नहीं। अरे सर आप बात बताइए, बात क्या है? बात ये है कि इनसे मिलने के बाद मिस्टर लोबो किडनैप हो गए, 8 दिन से गायब हैं। अरे लेकिन सर उस बात से इनका क्या मतलब? हाँ हमारा क्या मतलब? खुजली? खुजली? अबे खुजली जी। सोच रहे होगे कि खुजली वर्ड को इज्जत देनी पड़ रही है। सर बात क्या है? बात यह है कि लोबो की वाइफ ने कंप्लेन लिखवाई है कि उसके हस्बैंड का जो किडनैप हुआ है इन दोनों पे शक है। हम दोनों पर? यार हम पर? खाने का दोनों खत्म हो गया। अरे आप कंटिन्यू तो कीजिए, मैं मंगवाता हूँ। जल्दी मंगवा। सर एक बात सुनिए। मैं रिश्वत नहीं खाता, सैंडविच खाता हूँ। सर आप बात तो सुनिए प्लीज। अरे नहीं, सुन नहीं। तो लीजिए आप। बोलो यही बोलो बोलो। सर जिस लोबो की आप बात कर रहे हैं ना, हम उसे नहीं जानते। तो किस लोबो को जानते हो? वो जो हमारा दोस्त था। इसका मतलब दो दो लोबो? सर जिस लोबो को हम जानते हैं वो यही बैंकॉक में वो है ना यहाँ पर? हाँ ठीक है, उसे मेरे सामने ले आओ, उसे देखकर मुझे तसल्ली हो जाएगी, फिर मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, पहले ही मैं तुम लोग के चक्कर में फंस चुका हूँ। I said no then no, say no. 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 तिवारी तुम डर रहे हो क्या? अबे तिवारी और डर जाए, impossible. नहीं नहीं ये डरपोक है। नहीं नहीं यार ये एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। अच्छा? हाँ कॉलेज में बड़े से बड़ा ड्रामा किया इन्होंने। कौन सा कौन सा? यार एक रोटी के लिए रेप, हवस के पुजारी, वो सबसे बड़ा वाला कौन सा था? कृष्ण तुम कब सुधरोगे? एक्टिंग अवार्ड मिला क्या? अवार्ड? हाँ मिला होगा। तीन टाइम मिला, तीन टाइम, एक टाइम बारिश आ गई थी, एक टाइम बारिश आ गई थी, तीन बार मिला है। तो फिर तो आपको इंस्पेक्टर को उल्लू बनाने में क्या टाइम लगेगा? ऐसे बना दोगे? नो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना कि वो इंस्पेक्टर पहले भी कई बार फटका लगा चुका है। सुनो अरे यार लेकिन वो नया इंस्पेक्टर है, बिल्कुल नया है, अभी आया है, ब्रांड न्यू। बना दोगे उल्लू? फिर मैं उस इंस्पेक्टर का उसके अब्बा को भी मतलब कुछ भी बना सकता हूँ। ओ साहब जी आई एम लोबो। हु आई एम लोबो? क्या है सर? ये लोबो है सर। लेटा हुआ क्यों? सर लेट नाइट शो देख कर आया सर। ये लेट नाइट शो क्यों देखता है इतना, और ये मुंह क्यों छुपा रहा है? अरे सर आपने जहाँ जहाँ मारा है कहाँ कहाँ छुपाऊ, क्या मारते हो आप मुंह छुपा के? तो ये लोबो है? हाँ जी जी सर। हाँ यही लोबो है। हाँ ना क्या मतलब है? सर यही लोबो है। सर यही, सर इसी ने बिजनेस के लिए हमें यहाँ बुलाया था। हाँ ना उस दिन तो तिवारी था, मार खाने के बाद तू लोबो बन गया? अरे सर आप मतलब मैं मतलब अल्लाह के बंदे, कभी तिवारी बन जाते हैं कभी लोबो बन जाते हैं, आजकल लोबो LTT लोबो थापा तिवारी मेरा नाम। गुड कॉम्बिनेशन। गुड कॉम्बिनेशन नहीं, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा है लोबो थापा तिवारी। माँ कहाँ है? माँ है माँ माँ क्या नाम है? क्या नाम है माँ का? माँ का देखिये, माँ का नाम
अरे मेरे पापा ने तो कहा था चारों तरफ जितनी भी औरतें दिख रही हैं सब तुम्हारी माँ है। जहाँ देख बोरिया वहाँ जाके सोरिया। पहली वाली का नाम बताया था सादिया, उसके बाद नूरी, उसके बाद सुधा, उसके यू। सर गांडा चिमन। गांडा 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 चिमन क्या है, क्या नाम है गांडा? युगांडा। हाँ, मेरी जो माँ की माँ थी उनका नाम था गरगांडा, उनकी जो बड़ी बेटी हुई उनका नाम उन्होंने रखा गांडवी। उसके बाद जब उनकी छोटी बेटी हुई तो अल्लाह ने उनको पैसे दिए तो छोटा सा नाम रख दिया गांडा। मतलब बेसिकली वो लोग गांडा के थे। युगांडा, आई गांडा, ऑल ऑफ अस गांडा। गांडा फैमिली, गांडा फैमिली। ओके, अभी वो गांडी आ रही है। आए नहीं, मेरा मतलब है कि लोबो की वाइफ आ रही है। अगर उसने तुमको पहचान से इनकार कर दिया कि तुम उसका लोबो नहीं है तो हम तुमको छोड़ देंगे। तब तक इसको लेटाओ, ले जाओ, मारो, ले जाओ इसको। वाइफ 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 बोल करके फंसा दिया यार। होटल में चाय उबल रहा है, अगर उबलते उबलते पूरा कारपेट खराब कर देगा। पकड़ो जरा, क्या निकला? आधा किलो लात खाना है। अच्छा भला यार तुम लोगों ने LTT बना दिया। बैठो, ये तो वही पुलिस वाला निकला, ये उल्लू का पट्टा है। क्या है तुम्हारे पास खाने को? लात, घूसा, हाथ। इनको ही खिलाओ, मेरा तो उपवास चल रहा है। बेल्ट खाएगा? बेल्ट, बेल्ट में सुबह सुबह खा के आए हूँ चटनी के साथ। गांडी मतलब वाइफ। ये आधा किलो लिखा था, आधा किलो। Where is my husband, Lobo? Mr. Lobo. Oh yes, my husband, my Lobo. Oh my God. सर आपको आपका लोबो मिल गया ना? अबे छोड़, हम लोग निकलते हैं। Lobo, Lobo, हम निकलते हैं। Bye, bye, Lobo. हाँ जी। Mrs. Lobo तिवारी, खिचड़ी बनाना जानती हो? लेकिन तुम्हारी पत्नियां तुम्हें पहचानने से इनकार कर रही हैं ना? तो भूल जाओ अपनी पत्नियों को, हम है ना तुम्हारी पत्नियां। हाँ, पूरा होटल स्टाफ जानता है, यहाँ तक कि पंडित भी। तुमने ही तो हमें अपनी पत्नियों की तरह सबसे मिलवाया है। तो अरे तो मिलवाने से क्या होता है? और अगर हमने ये बात तुम्हारी पत्नियों को बता दी तो? शट अप, ओके? तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगी। अगर हमारा मुंह बंद रखवाना है तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ए, तू मेरे को क्या मामू समझे लिए? क्या मेरे दिमाग में कोई केमिकल लोचा दिख रहा तेरे को? लोचा हो जाएगा अगर हम इनकी पत्नी को ये बता दें कि हम इनके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। अबे एंडी, ये क्या बोल रही है? याद रखना, बाय। यार इन दोनों को इनकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। नमस्ते भाभी जी। ये सप्लायर कृष्ण कन्हैया। ए हवस के पुजारी दुर्योधन। ए नॉमिनेटेड एक्टर लोबो। क्या हुआ लोबो? नहीं एलटीटी लोबो था तिवारी। अरे बाप रे बाप, सबसे पहले तो इस फायर ब्रिगेड से मुझे बचाओ। और फायर ब्रिगेड के पास जाने के पहले विमान उड़ने वाला है, सबसे पहले कान बचाओ। क्यों अंकल? क्यों? अबे आदिल के अब्बा ने कहा था जब कभी भी लात खाओ सबसे पहले कान बचाओ। क्यों भाभी? यार तिवारी जी इतना मारते क्यों है? अरे यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी भाषा ही नहीं समझती। मैं हिंदी में गाली देता हूँ तो समझती है कि मैं गाना गा रहा हूँ। क्या मैं इतना खुश नजर आता हूँ? मेरी प्रॉब्लम है यार तिवारी सर, हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आप हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो ठीक है, लेकिन मुझे इस चिंगम से छुटकारा मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, लेकिन करना क्या है? वो लीना टीना हमारे होटल में आ गई है और खुद को हमारी बीवियां बता रही हैं और कह रही है हमारे बच्चों की माँ बनने वाली है। कांग्रेचुलेशन पिताजी। पापा? अबे पापा की औलाद, 9 महीने की चीज को 9 दिन में करेगा तुम लोग? अरे 9 महीने हमने तो उनको छुआ भी नहीं है। छुआ नहीं है तो ये कछुआ कहाँ से आ रहा है? अरे ये कछुआ हमारा नहीं है, यही तो आपको बताना है वहाँ पे चल के। ये बात तो हमें मालूम है, वो तो प्रोस्टिट्यूट है। हमने 2 महीने के लिए तुम लोगों को उसको दिया था, वो तो पूरी जिंदगी का चक्कर चला रही है भाई। अमित को जो अच्छी की खाने को देखो तो भाभी क्या बोली? भाभी क्या बोली? भाभी बोल रही है कि भाभी किसको बोल रहा है? अच्छा बोल रही है, अच्छा बोल रही है। अबे मुंह से घंटी की आवाज क्यों निकाल दिया? हेलो हेलो, कहाँ रह गया यार? सही में यार अब तक तिवारी को आ जाना चाहिए।
सैम, ये चिपकलियां किसी मोटे के साथ आ रही हैं। पुलिस मोटा ले ले। Shut up. इंस्पेक्टर मोटा ले ले। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई इंस्पेक्टर। तुम दोनों अपनी पत्नियों को परेशान क्यों करते हो? पत्नी? पत्नियां? इंस्पेक्टर ये कॉल गर्ल्स हैं। कोई सबूत? कोई गवाह? सबूत भी है और गवाह भी है। तिवारी एक बीमारी। ये लो स्पीकर में डाल रहा हूँ, बात करो। ये नंबर आप दोनों के लिए परमानेंटली अनअवेलेबल है। ये परमानेंटली अनअवेलेबल? सुनो, जब मैं पुलिस का डंडा घुसेड़ता हूँ ना, तो वो कहाँ कहाँ से निकलता है ये मैं भी नहीं जानता हूँ। अगर आज के बाद तुम दोनों ने अपनी पत्नियों को परेशान किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो ऐसे बोले जिससे पहले कभी गए नहीं। मैंने नहीं जाना है। नहीं जाना चलो यार, प्लीज यार, तुम चाहते क्या हो? माफ करो हमें। दो करोड़ ही तो मांग रहे, एक करोड़ उसके एक करोड़ मेरे। अरे लाएंगे कहाँ से, झाड़ पे थोड़ी लगे हुए हैं। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर कल सुबह तक पैसे नहीं मिले तो वापस से पुलिस स्टेशन में कंप्लेन होगी और तुम्हारी बीवियों को पता चल जाएगा कि तुम लोग कर क्या रहे हो। बाय जान, सी यू, बाय, लेट्स गो। ये किन के चक्कर में फंस गए यार? यार इनसे अच्छी तो हमारी बीवियां यार। सही है यार, चल। फुर्सत मिली है आज आप बैठे रूबरू। सारी गलती मेरी, तूने कुछ नहीं किया। किरण ने अगर फसाया नहीं होता ना, तो हम फंसे नहीं होते यहाँ पे। ऐसा अंजलि भी तो कर सकती है यार। नहीं, किरण तेरा वॉलेट नहीं लेती तो कुछ नहीं होता ऐसा। यार मेरे अकेले की गलती नहीं है, लगी तो हमारी ना।
उदास क्यों हो यार? तिवारी से बात ही नहीं हो पा रही, इतनी बार ट्राई कर चुके हैं। वो लड़कियां हमें ब्लैकमेल कर रही, 2 करोड़ रुपए मांग रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमारी बीवियां भी हमें छोड़कर चली गई। वो लड़कियां पीछे ही पड़ गई यार हमारे। पता है तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? क्या? तुम लोग तिवारी को अपना दोस्त समझते हो और वो ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो तुम दोनों के सिर्फ पैसे हड़पना चाहता है। वो कैसे? वो ऐसे, तुमको बैंकॉक कौन लाया? तिवारी। तिवारी? और तुम्हें लड़कियों से किसने मिलवाया? तिवारी ने। इट्स सिंपल एंड स्ट्रेट। तो हम कर भी क्या सकते हैं? आई फील तुम्हें पंडित से मिलना चाहिए और उसको अपनी सब बात बतानी चाहिए। आई थिंक इज द ओनली गाय हु कैन हेल्प यू। व्हाई विल ही हेल्प अस? बिकॉज़ ही इज अ नाइस गाय। वो अच्छा आदमी है, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। पंडित जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम पर ग्रहण लग गया है। पंडित जी आप अपनी पोयम वापस ले लीजिए। प्लीज हमें माफ कर दीजिए पंडित जी। पंडित जी वरना हमारा डिवोर्स हो जाएगा। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए प्लीज। अच्छा डिवोर्स हो जाएगा पंडित जी? मैं तो कहां शुरू होने से पहले खत्म हो जाता हूं फुसकी बम। तुम स्मार्ट डैशिंग हैंडसम ऑसम, आज कैसे बदल गया मौसम? पंडित जी प्लीज सॉरी। पंडित जी तुम कुछ कहो ना। पंडित जी प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए ना, और हमें भी प्लीज। तुमसे तो बाद में निपटता हूं। चाहते क्या हो तुम लोग? पंडित जी तिवारी ने हमें बैंकॉक बुलाया था नकली लोगों बन के, फंस गए हम। हमें बचा लीजिए प्लीज। अगर तिवारी है नकली लोबो तो चलते हैं उसके पास जो है असली लोबो। आई 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 लोबो। कौन लोबो? आप और कौन लोबो? मैं लोबो नहीं है। अरे उस दिन तो तुम होटल आए, तुमने बोला लोबो। वो लोबो मर गया है। झूठ मत बोलो, तुम ही लोबो। बोलने तेरे को, वो लोबो मर गया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम लोगों ने मारा उसको। हम लोगों ने? ऐसा क्या करता है? अरे मेरा वाइफ को आमिर खान का बीमारी था मालूम है क्या? हर काम में टांग अड़ाती थी। अरे वो गजनी वाला बीमारी, वो सब कुछ भूलता था, खुद का नाम भी भूलता था। कभी कभी पुलिस स्टेशन में जाके मेरा कंप्लेंट करता था कि मैं घूम गया। और साला इसका फायदा कौन उठाया मालूम है? साला वो तिवारी साला मेरे वाइफ को लेके भाग गया। कहाँ भाग गया? इंडिया भाग गया। किधर भाग गया? और इसका जिम्मेदार तुम लोग हैं। बेहोश हो गया। पर चढ़ाओ, मारने के लिए बहुत बहादुर थे, अब हिला नहीं जा रहा है। अरे हैं? ऐसे खींच लो इधर खींचो, नहीं गिर जाएगा। आराम से, आराम से। अब कुछ भी होगा तुम लोग भुगतोगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। चलो पुलिस स्टेशन ले लो जल्दी से, चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब, खुजली कहाँ है? खुजली गया खुजाने। हाँ? काम क्या है? सर मैं पंडित। सर टीना मीना इन दोनों की पत्नियां नहीं है। हाँ? तिवारी ने उन्हें मिलवाया था इन हाँ, दोनों से। मैं गवाह लेकर आया हूँ असली लोबो। आप इसको 2 डंडे लगाइए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सर प्लीज प्लीज सर प्लीज सर। He's dead? तुम लोगों ने इसका खून किया? नहीं। You guys are under arrest. सर लेकिन सर सर नहीं सर हमने सर प्लीज सर हेलो 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 क्या कर रहे हैं ऑफिसर? किसी को पता ना चले। चिंता ना करो, चिंता ना करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे ये खबूचड़ बेवड़ा, इसकी शक्ल अपील करती, खींच खींच इसको मारो। तुम चिंता मत करो, लेके चलो। चबे
देखो कैसे मरगिल्ले कुत्ते की तरह भौंक रहा है, कैसा मनहूस भौंकना शुरू किया, बारिश शुरू हो गई। अरे हजार कुत्ते मरे होंगे तो ये पैदा हुआ। कुत्ते भी इसके चेहरे पे मूतने से इनकार कर देते हैं। देखो कैसी मुंह पे लानत बरस रही है, चलती फिरती बद्दुआ है ये, कुछ नहीं समझाइए। क्या बोल रहे? क्या मतलब है तेरी बहन की? कोई जुड़वा बहन है क्या? अबे ओ चैटांग के, कुत्ता मूतेगा मेरे मुंह पे, अगर मेरे मुंह पे कुत्ता मूतेगा तेरे मुंह पे हाथी मूतेगा, अगर हाथी मूतेगा सोच क्या होगा। माफ कर दो भाई, पूरा मोहल्ला डुब्बा दोगे क्या? हाँ मुझे हिंदी आती है, आती है यार। मैं सब समझता हूँ भाई, जान दो भाई, ये सैम है ये एंडी है। अरे नहीं, मुझे ना सैम ना रैंडी किसी से नहीं मिलना है, मुझे ये माइक टायसन से मिलना है। ये मुझे बड़ी बड़ी आंखें हैं, दिखा दिखा के क्या घूर रहा है मेरी तरफ, यहाँ से देख रहा हूँ, दूर से घूर रहा है। अबे क्या घूर रहा है तू भाई? भाई भाई, अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये घूर क्यों रहा है भाई? भाई ये घूर नहीं रहा, इसकी आंखें ही ऐसी हैं। तो सुन तो सकता है ना? नहीं 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 सर, बहरे हैं सर। बोल तो सकता है ना? नहीं नहीं बोल भी नहीं सकता, गूंगा है, गूंगा। भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था, आप मुझे माफ कर दीजिए। कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज सर, ये अपाहिज भी है सर, इनके हाथ भी नहीं चलते हैं सर। फिर ये जिंदा क्यों है? ये जिंदा थोड़ी ना है, ये तो लाश है। नहीं ये कैलाश, कैलाश जी सर, इनका नाम कैलाश है। कोई बात नहीं, सॉरी कैलाश जी सॉरी। चल भाई चल, ये क्या लगा? अरे इसकी माँ की, ये तो, अरे ये तो वाकई में लाश है, तुम्हारी बहन की, को जुड़वा बहन है। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, वहां पे तुम्हें फांसी के तख्ते पे नहीं, कुछ करो, इलेक्ट्रिक कुर्सी पे डाल के जान से मार देंगे। भाई 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 छोड़ दो भाई, भाई भाई मंडवाली कर लेते हैं भाई। मंडवाली आने के कैश? देखो भाई मैं कोई भी इलीगल काम पैसे के बिना नहीं करता, पूरे 10 लाख लगेंगे। रुपए? 10 लाख? बात बात मैं पापा, हाँ, वो तो होटल में है, आप रूम में चलिए। तुम चलो होटल के रूम में चलते हैं, जब तक कैश मेरे हाथ में नहीं आएगा ये माइक टायसन मेरे कब्जे में रहेगा। कम ऑन फॉलो मी, चल 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 जल्दी चलो। ये सेक्सी लड़की, इसका ध्यान भूरा भाई, आजा भूरा भाई, पैसे अंदर हैं, ये लड़की है भूरा भाई, पैसे अंदर लो चल के। हाँ लड़की है, लड़की तो चाहिए यार, लड़की के बिना। भूरा भाई भूरा भाई भूरा भाई भूरा भाई भूरा भाई भूरा भाई, ये कहाँ जा रहे? ये रास्ता इधर इधर, आराम से आराम से। अरे अच्छी है यार ये भूरा भाई, बैंक भी अच्छी है। आप यहीं पर रुको, मैं रूम से पैसे लेकर आता हूँ। क्यों रूम में कोई दूसरी है? क्या क्या मेरा मतलब है कि जब तक तू पैसे लेके नहीं आएगा ना, ये दोनों लड़के मेरे पास गिरवी है। ठीक ठीक, रुको, तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? सर आप क्या लगते हो यार, क्या पर्सनालिटी है आपकी, कमाल। अच्छा सर ये टोपी भी आपको बहुत सूट होती है सर। पंडित काम हो गया। बुरा आदमी तेरी बहन की, जुड़वा बहन है क्या? बोलो ना। बुरा आदमी नहीं, भूरा भाई बोल, भूरा भाई ये लो। भूरा भाई पैसों का इंतजाम हो गया, लेकिन एक बात ख्याल रखना, लाश को ऐसे गायब करना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये पैसा मिला, पैसे ले रहा है कि कपड़े उतार रहा है? अब देखो मैं लाश को कैसे ठिकाने लगाता हूँ। मजा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। लाश मूतने गई है, लाश मूतने गई है। हरामजादे, तेरा बाप जब मरा था, मरने के बाद क्या मूतने गया था? लाश कहाँ है बे? एक खोंचू मैं पूछ रहा हूँ ना, बीच में नहीं बोलने का। अब पूछो,
तेरी बहन की को जुड़वा बने लाश कॉल सर मैंने बोला ना मुतने गई है बैंक पहले 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 तू इधर आ जा मार देगा तुम्हारी बहनों की कोई जुड़वा बहन है नहीं हमारी तो कोई बहन ही नहीं है मम्मी तो है ना हाँ मम्मी तो सबकी है कोई भी नहीं एक दो तीन शाब्जी गान छुपाओ शाब्जी कौन सा गान शाब्जी गान अबे चुप शाब्जी चुप रहेगा तो बोलेगा कैसे शाब्जी ये गान क्या है ये हाथ वाला गन बोल रहा है हाथ शाब्जी वो देखो पुलिस वाला आ रहा है उसके पास बड़ा बड़ा गान है शाब्जी क्या हो रहा है यहाँ पे इस आदमी ने मर्डर कर दिया सर इसको अरेस्ट कर लो बात तो लाश छुपाने की हो रही है ये मर्डर किसका हुआ है मर्डर तो लाश का ही हुआ है शाब गान छुपाओ शाब तो लाश कहाँ है लाश ही तो गायब है लाश गायब कैसे हो सकती है कैसे हो सकती है इसकी जुड़वा बहन से पूछो गन है जिसके पास लाश भी होगी उसी के पास शाब जी गान छुपाओ मैंने पूछा लाश कहाँ है लाश तो मुझे मालूम नहीं ये तो मर गया ओ माय गॉड लाश 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 अरे यहाँ कैसे पहुँच गया ओ माय गॉड ओ शाला वहाँ से यहाँ सुन के पहचानता है क्या ये क्या है अच्छा तो ये लाश गायब हुई थी इसका मर्डर कैसे किया अरे तुम लोगों ने सर हमने नहीं किया इसने किया है इसने हाँ इसके पास बंदूक भी है गन छुपा था सर गन पुलिस वाले के पास नहीं होगा तो क्या तुम लोगों के पास होगा ये पुलिस वाला पुलिस वाला मेरा नाम है सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर भूरे लाल भूरे थोड़ा कंफ्यूजन है सर भूरे हो कि लाल हो साहब जी पूरे लाल सर भूरे कि लाल सर वैसे तो मेरा नाम है भूरे लेकिन जब मुझे किसी शख्स का चेहरा अच्छा नहीं लगता तो मैं उसके चेहरे पे इतने तमाचे मारता हूँ कि पूरा चेहरा उसका लाल हो जाता है एक काम करो इन दोनों को इस लाश के सामने खड़ा करो फोटो खींचो चलो 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 सर अरे सर हम क्यों सर हम अकेले क्यों सर ये पंडित भी तो था पंडित भी था लेकिन पंडित गवाह था इसने पकड़ा था इसने मारा था मैं आज से आपका गवाह हूँ सर ये तो झूठ बोल रहा है सबके सामने गवाह था हम दोनों सरकारी गवाह बन जाते हैं इनको मारो सर इनको मारो भाग लेते हैं मैं बता रहा हूँ सही में फंस जाएंगे आप तुम्हारी बहन की कोई जुड़वा बहन है क्या भागने का प्लान बना रहे थे सर हम वो गाना गा रहे थे गाना वो भाग गाना तो सुना है लेकिन स्लाइट कंफ्यूजन है क्या ये भाग डी के बॉस है या भाग बॉस डी के है ना सर डी के बॉस था और ना ही बॉस डी के था हाँ साहब लेकिन भागा कौन भागे वो तुम इनको पकड़ो और मैं भी इनको पकड़ के लाता हूँ ए रुक रहे कौन निकालो साहब कौन निकालो साहब डी के बॉस था कि भाग बॉस क्या था यार भाग ज्यादा सोच मत ओबामा ये ओसामा की लाश है अभी तक पक्का नहीं मर गया कि जिंदा है चलो उठो 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 बोलो मिस्टर गजनी मिस्टर दबंग कहो रात कैसे कटी सर हमें जाने दीजिए हम बेकसूर हैं सर झूठ लोबो कौन लोबो ए माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट लोबो तुम लोगों ने तिवारी को नकली लोबो बनाया मैंने उसको असली रूप दे दिया ताकि तुम दोनों की अकल ठिकाने पे आए लेकिन आप तो मर गए थे हाँ मर गया था ऊपर वाले ने कहा जाओ नीचे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद तो आ गया लेकिन हम सुधर गए हैं सर प्लीज हमें जाने दीजिए जो लोग दूसरे की मंगेतर पर हाथ साफ कर लें उन पे भरोसा कैसे करें तुम्हारी पोएम तो हमने लौटा दी थी पोएम अबे पोएम तुम्हारी थी कब जो तुमने लौटा दी वो तुम्हें बेवकूफ बना रही थी मेरे कहने पर पुलिस ने तुम्हें परेशान किया मेरे कहने पर
सर लेकिन आपको तो हम जानते भी नहीं है, आप क्यों बीच में आए? तुम्हारी बदकिस्मती से तुम दोनों के बाप जो है ना वो मेरे दोस्त हैं और ये हमारी छोटी सी प्लानिंग थी। टीना और मीना के मिलने से लेकर तुम्हें यहां तक जेल तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी हुआ उसमें हम तीनों शामिल थे। उसकी पत्नी को तिवारी की सच्चाई बता दी, तिवारी घबरा के भाग गया। अरे समझते क्यों नहीं हो तुम लोग जो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, तुम सिर्फ कलाकार हो, इस ड्रामे के सूत्रधार हम लोग हैं। हम लेकिन हमारी पत्नियां? वो नाराज होकर चली गई मायके और जब तक तुम लोग सुधरोगे नहीं तब तक वापस नहीं आएंगी। तुम्हारी पत्नियां ही नहीं तुम्हारे बाप भी नाराज हैं। पापा को मना लेंगे और पत्नियों को शादीशुदा होकर भी कुवारापन झेल रहा हूं, बिल्कुल सुधर गया हूं, घर वापस आ जाओ प्लीज। तुम नहीं सुधरोगे हैं? तुम नहीं सुधरोगे। फोटो भी आ सकता हूं तेरे लवर तक। नो